शिमला में भाजपा मुख्यालय के बाहर प्रदेश अध्यक्ष सुजीत सिंह के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया है। इस दौरान आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर ईमानदार लोगों को प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। वहाँ पर मेयर बने, डिप्टी मेयर बने, उससे तो इतने खींच गए हैं बीजेपी वाले कि मारताड़ में आपने देखे होगा, आपने सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखा होगा, एमसीडी में अंदर किस तरीके से जूते चल रहे थे, किस तरीके से बोतलें मार रहे थे, उससे इनकी इतनी फजीहत हुई है आज की डेट में कि आप सब लोग जानते हैं इस चीज़ को। इसलिए हमारे अच्छे लोग, ईमानदार लोगों को जेल में डाला जा रहा है। पहले हमारे सत्येंद्र जैन जी जो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, उसके बाद मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाल दिया गया है। तो इसीलिए हम पूरे देश में धरना प्रदर्शन है हमारा, इसीलिए कि निर्दोष लोगों को, ईमानदार लोगों को उनके ऊपर केस बनाया जा रहा है। ये एमसीडी का खींच के वजह से, ये सीधा सीधा यही मामला है। आपने एमसीडी का देखा मामला सारा, किस तरीके से लात घुसे वहाँ जब, इनसे हार बर्दाश्त नहीं होती। अब धीरे धीरे देश की जनता समझ चुकी है, दो बार इनको सत्ता में ले आए देश की जनता, इन्होंने ठग कर लोगों को, झूठे वादे करके, अच्छे दिनों के सपने दिखाकर जिस तरीके से लोगों को छला है, ठगा है, लोग अब समझ चुके हैं, लोग इनके जाल से बाहर निकल रहे हैं। अब इनसे हार बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए ये हमारे नेताओं को जेल में डालने का। और आने वाले टाइम में आज मैं मीडिया के माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अभी तो आपने मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी को जेल में बिठाया है, आप कितनों को बिठाओगे? हम सभी जेल जाने के लिए तैयार है, पर देश को हम अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़े हैं और देश को नंबर वन राष्ट्र बनाकर छोड़ेंगे, वो हमारी एक कामना है और उसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और ईमानदारी से काम करते रहेंगे। और आम आदमी पार्टी किसी से डरने वाली नहीं है मोदी जी, ये भी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।